नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ में जितिन। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबर भागलपुर से। भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड के दासपुर पंचायत अंतर्गत शेखपुरा गांव वार्ड 5 में सड़क नहीं होने से वहां के ग्रामीणों को प्रखंड कार्यालय आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ज्ञात हो कि शेखपुरा गांव में वार्ड 5 में जो सड़क है उस पर कीचड़ ही कीचड़ हो जाने से लोगों को प्रखंड कार्यालय व बाजार जाने के लिए लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर कीचड़ में चलना पड़ता है। वहीं लगातार बारिश होने के कारण हालात यहां पर बद से बदतर हो चुके हैं। वहीं ग्रामीण शेखर कुमार प्रमोद मंडल, वीरेंद्र कुमार सिंह, सुबोध कुमार, प्रदीप कुमार मंडल, राकेश कुमार मंडल, नितेश कुमार, दिलीप मंडल, सुभाष चंद्र सिंह, अरुण मंडल, मीना देवी, कंचन आदि के ने विरोध करते हुए ये कहा है कि हम लोग गाँव के की ऐसी स्थिति है जहाँ पर सड़क ही नहीं है। आजकल के ज़माने में हर गांव में सड़क होती है, लेकिन हमारे गांव में सड़क तक भी नहीं है। कारण है कि हम लोगों के यहाँ लोग आते ही नहीं हैं, कतराते हैं यहाँ के प्रखंड कार्यालय तक जाने के लिए। ग्रामीणों की लिए यही एकमात्र रास्ता है, जिसकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। ये थी भागलपुर से नितेश कुमार कश्यप की खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए भारत न्यूज़ टीवी। आप इस ग्राम शेखपुरा के निवासी हैं? हाँ जी सर। तो इस सड़क के बारे में आप कुछ बताइए। ये सड़क सर बहुत दिन से ख़राब है सर, जब से हम जन्म लिए हैं तो देख रहे हैं खराबे चल रहा है। और इधर पिछले 5-10 साल से तो कीचड़ हो रहा है, इतना बोलने का बात ना है। इस पर अधिकारी लोग ध्यान नहीं देते हैं? नहीं सर, आया तो था बहुत सारा अधिकारी लोग, लेकिन उसे बोले तो कम ही नहीं कुछ हो रहा है अभी तक, यानी चल रहा है। इसको मतलब केवल आपका नाम? संजय कुमार। इस सड़क के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये सड़क इतनी स्थिति इसकी इतनी ख़राब हो गई है कि इस स्कूल मतलब इस ग्राम में एक स्कूल है जी। अब स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे मतलब कि सड़क की स्थिति के कारण यहाँ पे आते नहीं है पढ़ने के लिए। मतलब कीचड़ में जाने में बहुत तकलीफ होती है। कीचड़ में जाने में बहुत तकलीफ होती है, कई बच्चे तो रोड पे गिर जाते हैं, कीचड़ में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे स्कूल मतलब कि बच्चे जो नहीं आ पाते हैं, तो सोचिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरा नाम राहुल कुमार है। आपको इस सड़क के बारे में कुछ बताइए। ये सड़क की हालत इतनी ख़राब है कि हम लोगों को यहाँ से बाज़ार या फिर कहीं भी जाना होता है तो इतना मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि पैदल चलने में भी आम जनता को इतना परेशानी हो रहा है। यहाँ के जो भी आते हैं, जो भी सरकारी लोग हैं, आकर देख कर चले जाते हैं, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुआ। सुमन कुमार, इस सड़क के बारे में आपको क्या कहना है? यह सड़क बहुत ही दयनीय स्थिति है। यहाँ पर यदि कोई बीमार हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल चारपाई पे लेके जाया जाता है। हम लोग कई बार आवेदन भी दे चुके हैं, विधायक भी आए थे, बोले बन जाएगा, आश्वासन दिए, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया है। यहाँ की स्थिति बहुत ही ख़राब है। ये सड़क कब से ख़राब है? ये सड़क बहुत दिन से, लगभग कहा जाए तो 15-20 साल से ख़राब है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ टीवी खबरों की पड़ताल।